हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर का। इसका नाम है लंदन। इसके राइटर कौन है? विलियम ब्लेक। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूं इसकी। इसमें क्या है कि जो ऑथर है वो लंदन की गलियों गलियों में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, और वो देख पा रहा है कि किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं, जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, और जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जो स्थिति है वो कितनी दयनीय है, वो कितने दुख में हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो प्राकृतिक चीजों जैसे नदियों, सड़कों और इन सभी को भी अपनी जागीर मान रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम ये हमारा पहला जो स्टैंजा, इसकी लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे से फिर तो देखते हैं एक्सप्लेन करके। ठीक है, स्टैंजा है आपका, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, यानी कि किस तरह से, कैसे जो चिमनी स्वीपर्स हैं, जो चिमनी को साफ करने वाले हैं, वो कैसे रो रहे हैं। यानी कि जो चिमनी स्वीपर्स हैं ये बच्चे हैं, क्योंकि बड़े जो हैं वो पहुंच नहीं पाएंगे चिमनी साफ करने के लिए, तो बच्चों से चिमनी साफ करवाई जा रही है। बच्चे जो हैं वो चिमनी साफ करने का काम करते हैं। एवरी ब्लैक निंग चर्च अपाल्स। ठीक है, और जो चर्च अथॉरिटी है वहां की, उसके लिए कितने शर्म की बात है कि बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, चिमनी साफ कर रहे हैं। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साइड, ऐसा लगता है कि जो वहां के सिपाही हैं उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ ही जा रहा है, बेकार जा रहा है, उनकी मृत्यु का कोई भी औचित्य नहीं है। रन इन ब्लड डाउन पहले पॉज, और जो उनका खून है वो पहले पॉज यानी कि महल की दीवारों से कतर कतर कर नीचे गिर रहा है। ठीक है, रेफरेंस पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दीज लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये लाइनें जो हैं वो ली गई हैं लंदन से। लंदन शहर के ऊपर ही है और उसका जो नाम है वो भी, पोएट्री का जो नाम है वो भी लंदन ही है, और लंदन शहर के बारे में ही बताया। अ वेरी अपीलिंग पोयम बाई विलियम ब्लेक, एक बहुत ही अपीलिंग मीन्स आकर्षक, एक बहुत ही आकर्षक पोयम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो विलियम ब्लेक के द्वारा। इट हैज बीन इंक्लूडेड इन His volume of poems, songs of experience, इसके अंतर्गत या जो इसमें है, his volume of poems, songs, एक संग्रह है poems का, songs का, of experience, अनुभव की, and reveals, और ये बताती है the fact, एक fact, वह fact, that, जो by this time, इस समय पर, he had gained much of the experiences of life, और जो author है उसने इस समय पर सबसे ज्यादा अपने जीवन में अनुभव ग्रहण किया है। This is the expression of the maturity, यह एक expression है उसकी maturity में, किसकी? पोएट्री मैच्योरिटी में बोलते हैं परिपक्वता को। इन दिस थॉट, इन हिज
थॉट्स एंड विजन ऑफ द वर्ल्ड, अपने विचारों को और दृष्टि को लेकर दुनिया के बारे में। ही फाइंड द पीपल सोरोफुल एंड क्राइंग फॉर वन और द अदर रीजन, वह देखता है लोगों को सोरोफुल दुख में दुखी एंड क्राइंग रोते हुए फॉर वन और द अदर रीजन, एक या उससे कई ज्यादा या दूसरे कारण के लिए रीजन के लिए। एंड देयर इज नाउ हियर, और यही बात है कि रियल पीस फॉर विच वी ऑल आर सो एंग्जियस, और यही बात है कि हम असली शांति जो ट्रू पीस है रियल पीस है उसको प्राप्त करने के लिए क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट अटैक्स द हिपोक्रेसी एंड शैम, इन लाइनों में पोएट जो है वो अटैक करता है किस पर, हिपोक्रेसी पाखंड पर, एंड शैम दिखावा पर, जो पाखंड और दिखावा है उस पर आक्रमण करता है। प्रिवेलिंग एवरीवेयर इन द सोसाइटी, जो प्रचलित है हर जगह पर इन द सोसाइटी में, एक समाज में सोसाइटी में, अंडर द गार्ब ऑफ शो, जो किसके अंतर्गत है, परिधान के अंतर्गत है, शो के दिखावे के। द सोसाइटी इज कंट्रोल्ड बाय द रिच, जो सोसाइटी है वो कंट्रोल्ड बाय यानी कि नियंत्रित करी जा रही है किसके द्वारा, बाय द रिच, जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा। एंड द फॉल्स शो ऑफ रिलीजियस पीटी, और झूठा दिखावा किया जा रहा है किसका, शील का, धार्मिक शील यानी कि धार्मिक रूप से झूठा दिखावा कर रहे हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं। द पुअर आर, जो गरीब लोग हैं, आर ग्रोमिंग एंड द इन्फेंट्स आर फुल ऑफ फियर, जो गरीब लोग हैं वो दर्द से कराह रहे हैं, चहका रहे हैं। एंड द इन्फेंट्स, इन्फेंट्स होता है नवजात शिशु, इन्फेंट्स आर फुल ऑफ फियर, और जो बच्चा जन्म ले रहा है वो भय में जन्म ले रहा है, किसमें, भय में जन्म ले रहा है। द पीपल हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो आजादी है वो खो दी है। एंड दे फील देमसेल्फ, और वे अपने आप को महसूस करते हैं चेंड, बंधा हुआ, इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। द पोएट रेफर्स टू द चाइल्ड, जो पोएट है वो चाइल्ड के लिए, बच्चों बच्चे के लिए रेफर्स करता है। चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर्स के रूप में। द सोल्जर्स एंड सच अदर्स, सोल्जर्स और उनके जैसे कई, हु आर कंटिन्यूअसली, जो लगातार विक्टिम्स ऑफ एंडलेस टॉर्चर, इसके गवाह हैं जो सोल्जर्स हैं और उनके जैसे कई, उनके जैसे कार्य करने वाले, बहादुरी वाला कार्य करने वाले, वो इस चीज के गवाह हैं, किसके, एंडलेस टॉर्चर, कभी ना खत्म होने वाले अत्याचार के, और निग्लेक्ट कर देते हैं इस अन्याय को। द चाइल्ड चिमनी स्वीपर्स कैन बी हर्ड कॉलिंग इन द स्ट्रीट्स इन द मॉर्निंग, जो चाइल्ड चिमनी स्वीपर्स हैं, जो बच्चे हैं वो जो चिमनी को साफ करते हैं, कैन बी हर्ड कॉलिंग, उनको बुलावा आ जाता है इन द स्ट्रीट्स, गलियों से, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। सच क्रूअल सिस्टम, बहुत ही ज्यादा निर्दयी सिस्टम है, और
बीइंग सपोर्टेड इवन बाय द चर्चेज, जो सपोर्ट उसका सपोर्ट उसका समर्थन किया जा रहा है किसके द्वारा, इवन द इवन बाय द चर्चेज, चर्चेज के द्वारा भी उसका जो है सपोर्ट किया जा रहा है, दो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से, द चर्चेज themselves have become corrupt. तो चर्चेस हैं वो अपने आप में करप्ट हो चुकी हैं, भ्रष्ट हो चुकी हैं, एंड इन अ वे और एक तरीके से दे आर ब्लैकिंग ब्लैकनिंग द सोल्स ऑफ द पीपल, और एक प्रकार से वे ब्लैकनिंग कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं द सोल्स ऑफ द पीपल, लोगों की आत्माओं को. द सैक्रीफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड एंड नोबडी, जो त्याग है सैक्रीफाइस है इनका सोल्जर्स का, आर नॉट रिकग्नाइज्ड उसको नहीं पहचाना गया, एंड नोबडी और कोई भी कम्स फॉर देयर सपोर्ट, और कोई भी उनके समर्थन में नहीं आया. Their request just strike against the walls of the palaces. जो उनकी request है, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, just strike against the walls of the palaces. वो टकरा रही हैं, वो टकरा जाती हैं, strike कर रही हैं किस पर? Palace की walls पर, महल की दीवारों पर. And are wasted, और निरर्थक जा रही हैं. दीवारों पे सर मारने से थोड़ी ना कुछ हो जाता भाई. All this makes the poet sorrowful, और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, यह जो ये चीजें poet को दुखी बनाती हैं. Here the poet shows the deplorable condition of लंडन. यहाँ पर जो पोएट है वो दिखाता है खेदजनक, डिप्लोरेबल मीन्स खेदजनक, कंडीशन स्थिति ऑफ लंडन एंड ऑल इट्स एक्सटर्नल ग्लोरी इज फॉल, और इसकी जो बाहरी खूबसूरती है, जो वैभव है, वो कैसा है? झूठा है. द कोर्ट्स एंड चर्चेज हैव आल्सो बिकम करप्ट, जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, और जो चर्चेस हैं वो भी भ्रष्ट हो चुकी हैं. ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर का जो लंदन है उसका पहला स्टैंजा कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में आपके लिए नेक्स्ट स्टैंजा के साथ मिलते हैं. तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Thank you.